वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल वसीम। तो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि डीआरडीओ सेप्टम 10 एडमिन एंड अलाइड रिक्रूटमेंट 2022 का ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे करोगे। जो इसमें टोटल वैकेंसियां रहने वाली है वो 1061 रहने वाली है। तो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि डीआरडीओ सेप्टम 10 एडमिन एंड अलाइड रिक्रूटमेंट का ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे करोगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको आना होगा अपने मोबाइल फोन के क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद आपको सर्च करना होगा डीआरडीओ सेप्टम 10। डीआरडीओ सेप्टम 10 सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पे पहली जो वेबसाइट आएगी www.drdo.gov.in, ये वाली वेबसाइट ओपन कर देनी है। ये वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको यहाँ नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको जो ऑप्शन आ रहा है सेप्टम, यानी दूसरा जो ऑप्शन आ रहा है सेप्टम 10 ANA, तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन अंडर सेप्टम 10 ANA, तो आपको इस पे क्लिक करना है। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली साइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। उसके बाद आपको बता रहा है यू आर अबाउट टू प्रोसीड एक्सटर्नल वेबसाइट, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो नोटिफिकेशन है वो भी शो हो गया है। तो पहले आपको मैं आपको यहाँ पे एडवर्टाइज नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। जैसे कि देख सकते हो आपका जो स्टार्टिंग डेट है वो 7 नवंबर स्टार्ट हो गया है और आपका जो लास्ट डेट रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म का वो 7 दिसंबर 2022 रहने वाला है। तो यहाँ पे जो जूनियर ट्रांसलेशन है JSTO, तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी वो मास्टर डिग्री रहेगी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद बात की जाए स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की, जिसमें आपकी स्किल टेस्ट नॉर्मल जो है वो रहेंगे, उसमें टाइपिंग रहेगी और इसमें आपकी जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद बात की जाए स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की, उसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 12th रहेगी और साथ में आपका जो स्किल टेस्ट नॉर्मल होगा वो टाइपिंग होगी। तो उसके बाद आपको यहाँ पे बात की जाए फायरमैन, व्हीकल ऑपरेटर, ये सब पोस्ट यहाँ पे मौजूद है। तो बात की जाए फायरमैन के लिए यहाँ पे आपको सेकेंडरी पास यानी 10th पास होना चाहिए और आपकी जो एज है वो 18 से 27 है। तो अब आपको दिखाते हैं कि आप अपना फॉर्म फिल कैसे करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे साइड पे एक ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना फुल नेम फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कंफर्म करना है फुल नेम। उसके बाद आपको यहाँ पे 10-डिजिट मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है, अगर है आपके पास तो आपको डाल देना। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। कैप्चा डालने के बाद आपको दिखाएगा रजिस्ट्रेट सक्सेसफुली, तो आपके जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे जो है आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। तो आपको उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लॉगिन हियर का, तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको फिल करना है अपनी ईमेल आईडी और उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है जो आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे भेजा गया। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बताएगा कि आप अपना जो पासवर्ड है वो अपडेट करो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना करंट पासवर्ड लिखना है। करंट पासवर्ड के बाद आपको न्यू पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको फिर कंफर्म करना है अपना न्यू पासवर्ड। उसके बाद आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको अपडेट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे जो करंट पासवर्ड है वो आपके जो मोबाइल नंबर पे सेंड किया गया है वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपको दिखाएगा पासवर्ड हैज बीन रीसेट सक्सेसफुली, तो उसके बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे अपनी इंस्ट्रक्शंस रीड आउट कर देनी है। इंस्ट्रक्शन रीड आउट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है न्यू एप्लीकेशन का, तो आपको इस पे क्लिक करना है।
न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट कोड सिलेक्ट कर देना है कि आप जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए अप्लाई करोगे, स्टेनोग्राफर ग्रेड वन, स्टेनोग्राफर ग्रेड टू, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको वो सिलेक्ट कर देना है। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बता रहा है सेप्टम दास एडवर्टाइजमेंट डू यू पॉजेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, जो आपकी है वो आपके पास है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप ओपन EWS, अदर बैकवर्ड क्लास, SC हो या ST, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आप अगर कोई स्पेशल कैटेगरी से हो जैसे कि ST है, तो अगर आप ST हैं तो आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू वो डालना होगा। अगर आप ओपन है तो आपको कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको बता रहा है आर यू पर्सन डिसेबिलिटी, तो अगर है आप तो यस कर दो, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद आपको बता रहा है डू यू बिलोंग टू अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो तो आपको यस कर देना, अगर नहीं तो आपको नो कर देना। उसके बाद आपको बता रहा है अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यस कर दो, अगर नहीं तो नो। उसके बाद आपको बता रहा है डिसेबिलिटी डिफेंस सर्विस पर्सनल हो, अगर हो तो यस करना, अगर नहीं तो नो। उसके बाद आपको बता रहा है कि आर यू डाइवर्सिटी वैमेन या जुडिशली सेपरेटेड वैमेन हो, जो भी अगर हो तो यस कर देना, अगर नहीं तो आपको नो कर देना। उसके बाद अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे यस कर देना, अगर नहीं है तो आपको नो कर देना। नो करने के बाद आपको फिर बता रहा है आर यू एन गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपको यस कर देना, अगर नहीं हो तो आपको नो कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना होगा, चाहे आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, एनी अदर जो भी आपके पास फोटो बियरिंग आईडी कार्ड है तो आपको वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको वो नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे विजिबल मार्क, जो भी आपका मोल होगा तो आपको वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट जो होगी, आपको अपनी हाइट जो है वो यहाँ पे डालनी होगी। उसके बाद आपको अपना वेट डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको दूसरा एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको 3 choices यहाँ पे रहेगी आपकी। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर देना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फादर नेम, उसके बाद आपको मदर नेम, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस डालना है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, और उसके बाद आपको अपना यहाँ पे गांव डालना है, विलेज, उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा अपना यूटी, स्टेट, जो भी आपके पास, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे सेम कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है। वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा वैलिडेटेड सक्सेसफुली, उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो डिटेल्स है वो एंटर करनी होगी। यहाँ पे आपको पहले क्लास 10th की जो डिटेल्स है वो एंटर करनी होगी। पहले आपको यहाँ पे 10th का रोल नंबर, उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो भी होगा आपका यहाँ बोर्ड होगा वो डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, उसके बाद आपको यहाँ पे अपने एग्रीगेट मार्क्स जो कि आपने टोटल मार्क्स लिए हैं वो डालने होंगे। उसके बाद आपको अगर CGPA में रिजल्ट है तो आपको यहाँ पे CGPA ऑफ 10 मार्क्स फिल करने है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स फिल करने, मैक्सिमम मार्क्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे क्लास 10th की डिटेल डालने के बाद आपको अगर कोई एडिशनल डिटेल है आपके पास, आपने 10+2 किया है या ग्रेजुएशन की है या PG किया है, जो भी आपके पास अगर अदर डिटेल्स अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे डाल देनी है। डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ पोस्टिंग प्रेफरेंस देना होगा। यहाँ पे आपको अपना पोस्टिंग जो स्टेशन है वो देना होगा। आपको जो भी यहाँ पे नजदीक पड़ता है, जो भी अच्छा लगता है तो आपको वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। चाहिए तो आप यहाँ से अपने सारे जो प्रेफरेंस है वो दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो डिटेल्स है वो वैलिडेट हो जाएगी। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ
जो है वो अपलोड करना होगा। आपका जो फोटोग्राफ साइज है वो 15 KB से लेके 40 KB तक रहने वाला। उसके बाद आपको यहाँ पे स्कैन इट जो सिग्नेचर होगी आपकी वो अपलोड करनी है। उसमें भी आपका जो साइज रहेगा वो 15 से लेके 40 KB तक रहने वाला। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जो 10th सर्टिफिकेट है, जो भी आपकी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, वो अपलोड करनी है। तो यहाँ पे मैंने जो आपको फॉर्म फिलअप दिखाया है वो फायरमैन के लिए दिखाया है। बाकी आप अगर जूनियर ट्रांसलेशन के लिए अप्लाई करोगे तो वहां से आपको जो अपनी क्वालिफिकेशन होगी, जो रिक्वायरमेंट होगी, वही अपलोड करना होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपकी जो पूरी डिटेल है यहाँ पे वो आ जाएगी। उसके बाद आपको अपनी डिटेल यहाँ पे चेक करनी है। डिटेल चेक करने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से अपनी जो सिग्नेचर है वो भी सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे 100 रुपीज जो है वो फी पेमेंट करना होगा। तो आपको यहाँ पे अपना सिक्योरिटी कोड डालना है। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपकी जो पेमेंट है वो हो जाएगी। उसके बाद आपका जो लास्ट ऑप्शन आएगा वो प्रिंट आउट का आएगा। तो उसके बाद आपको अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट कर देना है। तो ये थी मेरी